दोस्तों आज के डेट में वोटर आईडी बहुत एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। कहीं भी आप वोट गिराने जाते हैं तो वहाँ पे आपका वोटर आईडी होना मैंडेटरी है, और इसको आईडी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में, दोनों प्रूफ में आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, वोटर आईडी नहीं बना है आपका तो आप उसको कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं, आज के वीडियो में ये जानते हैं। तो इससे पहले एक दोस्तों बता दो, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, nbsp.in सर्च कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग nbsp सर्च करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है, यहाँ पे रेड मार्क में दिखाया होगा, फॉर्म सबमिशन आसाम, बिहार, गोवा एंड उत्तराखंड, इन चारों स्टेट के लिए आपको यहां से लॉगिन करके अप्लाई करना होता है। जैसे कि यहां पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ ऑप्शन खुलेगा। यहां पे आपको यहां देख सकते हैं लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, एक साइनअप का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है कि साइनअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है और कैप्चर फिलअप करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड बनाने का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आपका पासवर्ड बना लेना है, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड देकर और कैप्चर फिलअप करके इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप दूसरे किसी स्टेट के हैं, मान लीजिए ये वाला तो ओनली 4 स्टेट का है, अगर आप दूसरे किसी स्टेट में रहते हैं तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा आपको यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पहले से बनाए हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड फिलअप करके, कैप्चर फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यूजर आईडी नहीं बनाया है पहले से तो आप यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपको उसी तरह से सेम फॉलो करके आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह का पासवर्ड बन लाने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से लॉगिन कर लेता है, कैप्चर फिलअप कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाते हैं, आपको क्या करना है यहाँ पे फॉर्म पे आ जाना है। फॉर्म के खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा फॉर्म 6, इसी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो इस तरह का कुछ ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आपका देख सकते हैं स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जो जिसे आप असेंबली कहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम है और उसके बाद यहाँ पे सरनेम है दे देना है। उसी तरह आपका जो भी फादर या हस्बैंड नेम देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मतलब यहाँ पे दोस्तों फादर्स नेम या मदर्स नेम या आपका जो भी हस्बैंड नेम देना दे देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, जिनका भी आप यहाँ पे नाम दे देना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, फिर से आपको यहाँ पे आधार नंबर दे देना है, आपका जो भी आधार नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे दे दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और 10th 12th का मार्कशीट आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जहाँ भी रखे होंगे यहाँ पे आपको आकर अपलोड कर देना है। उसी तरह से आपको यहाँ पे एड्रेस दे देना है, आपका हाउस नंबर अगर पता है आपको तो हाउस नंबर दे देना है, अगर नहीं पता है तो आपको सिपर विलेज या जो भी आपका अपार्टमेंट नंबर होगा यहाँ पे दे सकते हैं। उसी तरह रोड, अगर आपके पास कोई भी, अगर घर के पास आपका कोई भी नियरेस्ट जैसे कि लैंडमार्क जिसे कहते हैं, रोड हो गया, कोई कस्बा हो गया, जो मोहल्ला भी इसे कहते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद विलेज, पोस्ट और यहाँ पे जो भी आपका तहसील है जिसे ब्लॉक भी कहते हैं यहाँ पे दे देना है, पिन कोड यहाँ पे दे देना है और जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सिलेक्ट किया था ऊपर वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे दे देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं लैंड ओनली रिकॉर्ड हो गया। और इस तरह से देख सकते हैं आप लोग जो भी ऑप्शन है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करना है और आधार तरह इसी तरह से अपलोड कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको फोटोग्राफ, जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे,
और यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, इसी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। आपका जो भी फोटो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी माउस का बटन होता है उसको आपको जो बीच वाला जो एरो होता है उसी को आपको सिंपल पीछे खींचना है, ठीक है। इस तरह से आपको खींचना है पीछे, और यहाँ पे देख सकते हैं गेट प्रीव्यू का एक ऑप्शन आएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं फोटो हमारा इस तरह का कुछ आएगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, इस तरह का कुछ हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी आपका डिसेबल कुछ भी दिक्कत होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका फादर या मदर नेम, आपका यहाँ पे फादर या मदर का ईपिक नंबर देना होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फादर हो गया, मदर, हस्बैंड, वाइफ, गार्जियन, जिनका भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी विलेज है, और यहाँ पे स्टेट फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्टेट सिलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, और यहाँ पे आपको डेट दे देना है किस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे डेट दे देंगे, इसी तरह से हम यहाँ पे आपका जो भी प्लेस है विलेज दे देंगे। उसके बाद कैप्चर फिलअप करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे भी हम लोग प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डिटेल होगा वहाँ पे दिखाएगा, और उसमें एडिट करने का ऑप्शन भी आता है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी वहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह से मैं बता देता हूँ यहाँ से, जैसे कि इस पर हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि ये हो गया बिहार का या आसाम, बिहार, गोवा, उत्तराखंड के लिए। तो इसको हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड देकर, और फिर से ये कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देना है, और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे इस तरह से हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म का अप्लाई होगा, फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म 6, इसी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इस यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ही स्टेट आएगा, तो आप यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका विधानसभा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट का क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी नाम है नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे सरनेम दे देना है, और यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है। जो भी आपका फोटो है इस तरह से कुछ अपलोड कर देना है आपको। देख सकते हैं हमारा फोटो अपलोड हो गया है। हमारा फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे सिंपल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप फादर नेम दे सकते हैं, मदर्स नेम, हस्बैंड, वाइफ, जिनका भी आप नाम देना चाहते हैं यहाँ पे आपको नाम दे देना है। और उसी तरह से नाम यहाँ पे देकर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप फादर्स नेम दे देंगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल आईडी यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उस तरह से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आधार नंबर दे देना है। उस तरह से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जो भी है जेंडर है सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इस तरह से कुछ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट एक देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th और 12th का मार्कशीट, जो भी आपका है यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। उसी तरह से हमें यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है दे देना है, जैसे कि हाउस नंबर हो गया, लोकेलिटी हो गया, एरिया और विलेज, जो भी आपका विलेज है, पोस्ट, पिन कोड, फिर आपका तहसील जिसे आप ब्लॉक भी कहते हैं। उसी तरह से आपको फिर से यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट में आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको देख सकते हैं डॉक्यूमेंट भी मांग रहा है, वाटर इलेक्ट्रिक बिल जो भी आपका 1 ईयर का होना चाहिए, कनेक्शन बिल, उसी तरह से आधार कार्ड, करेंट पासबुक, जो बैंक का पासबुक होता है वो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको जो भी यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है यहाँ पे आपको दे देना है। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे आधार कार्ड में अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो भी आपका विलेज डिसेबिलिटी है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपका जो भी फादर है, या दे सकते हैं फादर, मदर, वाइफ, जिनका भी आप ईपिक नंबर देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे आपका जीसी जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वो यहाँ पे आपको दे देना है इस तरह से कुछ, उस तरह से आपका स्टेट और उस तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपको डेट दे देना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पे फिर से प्लेस में दे देना है वही। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर फिलअप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको भर देने के बाद प्रीव्यू जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म भरा होगा, जो भी डिटेल दिए होंगे, प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक बार चेक कर लेना है जो भी सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गलत होगा तो यहाँ पे कीप एडिटिंग पे एडिट भी कर सकते हैं, अगर सही है तो सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस तरह से आपको येस कर देना है। तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, इसको आप इस तरह से डाउनलोड भी कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो गया। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप लोग चेक कर सकते हैं आपका क्या प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसको आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन आएगा, यहीं पे आपको जो भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे नंबर मिला होगा इस कोने में होगा, देख सकते हैं यही नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो भी रेफरेंस नंबर होगा यहाँ पे देकर सबमिट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे अभी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कुछ देर के बाद चेक कर लेना है, जैसे कि एक दो दिन के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनके भी वोटर आईडी बनवाना है उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।